हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रश्मि आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा सरोजनी नगर मार्केट का बैग कलेक्शन का वीडियो। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं जब मैं सरोजनी नगर मार्केट का वीडियो बनाती हूँ कि दीदी एक सेपरेट वीडियो बनाइए बैग कलेक्शन पे। तो आज मैं आप लोग को सरोजनी नगर की जो सबसे अच्छी वाली शॉप्स हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा कलेक्शन बैग का मिलता है, वो सारी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शॉप नंबर मैं बताऊँगी एंड ऑनलाइन ऑप्शन भी आप लोगों को दूंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सारा कलेक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे डेली लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल रश्मि ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सब्जी मंडी लेन के पास में एक शॉप है, उनका नंबर है 101। उसके अपोजिट में ये बैग की दुकान है, जो कि भैया बाहर ही लगाते हैं। बैग का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इनके पास में 250 to 450 के अराउंड आपको यहाँ पे बैग्स मिलते हैं। बैग्स की क्वालिटी भी काफ़ी सही होती है। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और आप सब्जी मंडी लेन की तरफ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट शॉप मिलेगी वो आपको मिलेगी 106। यहाँ पे 300 रुपीज़ की सेल में काफ़ी सारे अमेजिंग से बैग्स थे, कलर ऑप्शन बहुत सारे थे, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉप जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वो है एक्सपोर्ट लेन में इंसेंस के अपोजिट में। और ये काफ़ी डिफरेंट सी शॉप है सरोजनी नगर में, और इस टाइप की एक ही दुकान है सरोजनी नगर में, इसलिए भैया ये वीडियो बनाने भी नहीं देते हैं। तो इनके यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा बोहो बैग का एंड इस टाइप के जूट वाले बैग जो होते हैं, काफ़ी अमेजिंग से बैग्स मिलेंगे। तो इनके पास ना काफ़ी अच्छा बैग का कलेक्शन होता है, और इस टाइप के जूट बैग जो होते हैं काफ़ी सारे सेल में भी मिल जाते हैं इनके पास में। इनके पास में जो बैग्स होते हैं वो 250 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। और अभी जो आप ये राउंड वाला बैग देख रहे हैं, जो मतलब ये गोला गोला जैसा बैग है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला बैग जूट का, और इसका प्राइस उन्होंने 750 रुपीज़ बताया था। अभी बिक्सी के पास में पहले एक बैग की दुकान होती थी, वो बदल गई है, दूसरे भैया आ गए हैं यहाँ पे बैग की। इनका भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। इनके पास में 300 रुपीज़ में बैग की सेल थी गाइस। 300 रुपीज़ में ऑल ओवर दुकान का जो सारा कलेक्शन दिख रहा, केवल और केवल 300 रुपीज़ का था यहाँ पे। चाहे फिर आप इस टाइप के छोटे वाले बैग्स ले लो, बड़ी बैग्स ले लो, कैसे भी बैग्स ले लो, आपको सारे 300 रुपीज़ में मिलेंगे। कुछ बैग्स होते हैं वो आपको जो सामने दिख रहे हैं ना, दिख लगे हुए रखे हुए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके प्राइस ना 500 to 600 के अराउंड थे, बाकी सब इसी प्राइस में थे। तो बिक्सी लेन में ही ना ये एक और बैग की दुकान है, शॉप नंबर है 71। अगर बैग की बात करें तो बैग जो स्टार्ट हुआ 300 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, एंड दुकान के अंदर जो भी थे वो 500 to 1500 के अराउंड यहाँ पे प्राइस रहते हैं, तो आप ये वाली दुकान भी चेक कर सकते हैं। ऐसे रेंज के सारे ही बैग थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे बैग थे।
बच्चों के लिए तो इतने सुंदर सुंदर थे, से क्यूट वाले ये पपेट वाले बैग से मेरी बेटी तो मतलब देख के एकदम, मुझे सारे चाहिए मम्मा, ये चाहिए मम्मा, वो चाहिए, सेम इतने प्यारे प्यारे थे बैग के, मतलब आपको ज़रूर कोई ना कोई बैग पसंद आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर अपने लिए भी लेना चाहती हैं तो आपको वो भी उनमें भी बैग के बहुत सारे पैटर्न कलर मिल जाएंगे। टू फिफ्टी का है, कोई सा भी लो इधर 250। बिग सी लेन में आपको ना काफ़ी सारी शॉप्स मिलती हैं बैग की, तो जो नेक्स्ट शॉप है वो है 173। यहाँ पे ना आपको 250 रुपीज़ से बैग की स्टार्टिंग हो जाती है। बाहर जो आप बैग देख रहे हैं, नीचे लगे हुए देख रहे हैं या टंगे हुए देख रहे हैं या हैंग किए हुए जो बैग देख रहे हैं, वो सब 250 रुपीज़ की सेल में, जो भी बाहर का कलेक्शन है। अगर शॉप के अंदर चलते हैं तो अंदर इन्होंने रॉ बना रखी है, जहाँ 500 वाले, 600 वाले और 800 वाले सभी के एक एक कलेक्शन बना रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बैग हैं। इनके बैग्स ना मुझे मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्रिटी बैग्स होते हैं इनके यहाँ पे। इसके अलावा ना आप इनके यहाँ से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप इसे ऑनलाइन भी स्क्रीनशॉट देके मंगा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा बैग पैक की काफ़ी ह्यूज वैरायटी दिखी इनके पास में, मुझे 300-650 के अराउंड थे, काफ़ी अच्छे बैग पैक थे इनके पास में। तो गाइस थोड़ा सा और आगे चलने पे अब की वरना मार्केट में मुझे 300 के बैग्स की सेल काफ़ी जगह दिखी मार्केट में, तो मुझे ये एक और दुकान दिखी जिसका नंबर था 60। यहाँ पे ना बाहर 300 रुपीज़ की सेल थी, इसमें स्लिंग बैग बहुत सारे थे, और अब की वरना जो बैग दिख रहे हैं मुझे वो 300 में क्वालिटी भी अच्छी है, कलर भी अच्छे, पैटर्न भी न्यू दिख रहे हैं, मतलब 300 में आपको एक अच्छा बैग मिल जाएगा। एंड इनके पास में क्यूट क्यूट से मिनी बैग्स भी थे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, वो भी मिल जाएंगे। इन पपेट्स वाले बैग जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उस टाइप के बैग्स भी मिल जाएंगे, ये भी 200 रुपीज़ में थे, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही बैग भी अंदर अलग टाइप के लगे हुए थे, मतलब थोड़े से डिज़ाइनर बैग लगे हुए थे, जो कि 500-1000 की रेंज में थे, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बार्गेन नहीं होती है तो आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे बैग्स वगैरह में, क्योंकि सेल प्राइस होते हैं इनके।
के लिए मुझे एक और ये शॉप दिखी शॉने सूज के बाहर, ये एक दुकान थी यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छे बैग थे, ब्रांडेड बैग्स के रेप्लिका थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 350 to 800 रुपीज़ की रेंज में बैग्स थे। इनमें बहुत ही डिज़ाइनर और बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छे वाले बैग्स थे यहाँ पे। तो गाइस ये था आज का बैग कलेक्शन का वीडियो, आई होप सो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ एक और अमेजिंग सी ऐसी ही एक सेपरेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।